महिला हॉस्पिटल रोड पर एक मकान में अचानक चोरी हो गई। चोरी में क्या क्या गया ये बात करते हैं कि परिवार कहाँ गया था, ताला बंद था, कैसे ताला टूटा, कौन वो चोर था जो पूरा जेवर उठा ले गया, ये बात करते हैं जी। ये कैसे हुआ ये? असल में हमारा परिवार करीब 20-25 दिनों से बाहर बनारस में है, कुछ अचानक से तबीयत को लेकर कुछ इशू हो गया। अस्पताल में एडमिट है? एडमिट है। तो अचानक से आज सुबह खबर मिली कि ऐसा ऐसा हो गया। कितने बजे मिली, कौन दिया? सुबह हमारे असल में कुछ लोग काम करते हैं यहाँ पे, जो घर का काम हम झाड़ू पोछा करते थे, तो उसने सुबह फ़ोन किया कि यहाँ पे घर में ऐसा ऐसा दरवाज़ा खुला मिला है और सब सामान बिखरा पड़ा है। उसके बाद से हम लोग, मैं भागा भागा वहाँ से आया, तो फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गहने पूरे गायब हैं और सामान सब इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। कितने बजे आया बनारस से? मैं तो करीब शाम को 4 बजे आया। जानकारी कितने बजे? जानकारी सुबह हमको करीब 6:30-7 बजे तक मिली थी। उसकी सूचना पुलिस को दी आपने? हाँ, अभी हम ओडनगंज पुलिस चौकी पे एक तहरीर लिखवा के आए हैं, बाकी अभी फिर अभी कोतवाली जा रहे हैं। उसमें अभी आए थे मौके पे? हाँ, दो हवलदार लोग आए थे, अभी देखो के गए हैं, फिर अभी उन्होंने सिपाही दो सिपाही आए थे। अच्छा, चोरी में जेवर ही गया है, कैश वगैरह भी गया? कैश नहीं गया है, केवल जेवर गया है। अच्छा, आप लोग कब के गए थे बनारस? हम लोग करीब 24-25 जनवरी को गए थे यहाँ से बनारस। हाँ, बनारस गए थे। अचानक से सीरियस हो गया, हेल्थ इशू हो गया, डॉक्टर रेफर किया कि बनारस जाइए, तो बनारस गए और अचानक से वहाँ पे फिर एडमिट होना पड़ा। कहाँ बनारस में कहाँ एडमिट है? बेचू में। अच्छा, घर में कौन कौन रहता था? घर में अभी दो लोग हैं, भाई भैया हैं हमारे और भाभी हैं। तबीयत किसकी ख़राब? तबीयत भाभी की कुछ ख़राब थी, बीपी अचानक से हाई हो गया था, तो उस वजह से डॉक्टर से दिखाया गया, तो डॉक्टर अचानक से फिर रेफ़र किया बनारस, तो वहाँ जाके फिर एडमिट होना पड़ा, सीरियस थोड़ा सा इशू था, तो तब से वहाँ पे अभी वहीं पे हैं बनारस में। अभी लोग ठीक ठाक हैं? हाँ, अभी कुछ ठीक हैं पहले से, लेकिन अभी भी वहीं पे हैं। तो अभी और कितने दिन तक रहेंगे अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी वहीं पे हैं। तो उसे भाई साहब क्या करते हैं? भाई साहब हमारे टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं। परिवार गया इलाज कराने बनारस बेचू में 25 जनवरी के आसपास, लेकिन आज जब ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अगल बगल पड़ोसी के माध्यम से कि ताला टूटा हुआ है, ताला टूटा, फिर अंदर लोग गए तो कमरे के अलमारी के ताले टूटे पड़े हुए, सामान बिखरा पड़ा हुआ था, पुलिस भी आई, मौका मुआयना की, जेवर वगैरह जो कीमती जेवर है वो चोर उठा ले गए। एक तरफ परिवार संकट के दौर में है और दूसरी तरफ चोरी की इतनी बड़ी घटना। अब इस चोरी की घटना को पुलिस कैसे वर्कआउट करेगी ये तो समय की बात है, लेकिन आसपास के लोगों का ये कहना है कि यदि चोरी हुई तो उसका वर्कआउट होना चाहिए, कौन चोर है जो इस तरह के वारदात कर रहा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें बलियाज से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।